गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.8 में आएगा, उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ऐसा ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। ये होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100। यहां पर पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है जनरली, अगर आप किसी से कुछ मनी बोरो करते, उधार लेते हो, तो सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेस्ट लेता है। यानी आपने, जैसे सिंपल एग्जांपल समझ लो, किसी से 100 रुपये लिए, तो सामने वाला पर्सन आपसे बोलता है कि ठीक है तुम 100 रुपये ले रहे हो किसी से, है ना। रेट लेगा वो आपसे 10%, कितना कि 10% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेने वाला है। और टाइम पीरियड जो भी होगा आपका, मतलब 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, है ना, तो उससे क्या निकालेगा, उससे निकालेगा इंटरेस्ट। क्या निकालेगा? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के साथ में आपको जो अमाउंट है, यानी कि आप उस टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको क्या देने वाले हो, उसको प्रिंसिपल, यानी जितना आपने पैसा लिया था वो 100 रुपीज, और प्लस इंटरेस्ट आप देने वाले हो, तो ये अमाउंट उसको मिलने वाला है। तो जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है आपका अमाउंट का, किसका आता है, अमाउंट का। यानी कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट के साथ में उसको प्रिंसिपल क्या मिलने वाला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस आई, यहां पे पी आपका प्रिंसिपल है और आई क्या है, यहां पर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप इसी फॉर्मूले से हम बाकी 3-4 फॉर्मूले बनाने वाले हैं। सेकंड फॉर्मूला हो गया, थर्ड फॉर्मूला है आपका, हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। देन फोर्थ फॉर्मूला आता है आपका, प्रिंसिपल का तो आई गया हमारे पास फॉर्मूला, देन आएगा रेट का। रेट का हो जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय पी मल्टीप्लाई टी। और जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो आपके पास आने वाला है टाइम का, तो टाइम का हो जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई आर। तो ये कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.8। एक्सरसाइज 8.8, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। हमें क्या निकालना है, एक तो इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा अमाउंट निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है ₹2700, रेट गिवन है 9%, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर। कितना है, 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100। वैल्यू पुट करो, पी कितना है ₹2700 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, सॉल्व करोगे ₹27 × 18। 27 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा ₹486। अब हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई, और P कितना है ₹2700 प्लस रुपीज इंटरेस्ट है 486, तो यहां से आएगा ₹3186 आंसर यहां से आ जाएगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, 8.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आपका फाइंड द प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर टू है फर्स्ट पार्ट इसका। फाइंड पी, पी निकालना है, हमें ऐसा ही दे रखा है ₹450, टाइम है 5 ईयर, और आर है 6%। तो पी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में टी मल्टीप्लाई आर। वैल्यू पुट करो,
450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6। सॉल्व करेंगे 5 और ये 90, 6 और 6 × 90 आता 15 टाइम, और 15 × 100 रुपीज 1500 यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन थर्ड पे आते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें आई दिया हुआ है कितना, रुपीज 810, पी दिया हुआ है रुपीज 4500 और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है, और आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। वैल्यू पुट करो, रुपीज 810 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रुपीज 4500 मल्टीप्लाई 3, 0 से 0, 0 से 0। उसके बाद 3 × 3 और ये जाएगा 270, 15 टाइम और ये आएगा आपका 90, 15 × 15 और 15 6 × 90। तो रेट आ गया कितना, 6%। रेट कितना आ गया यहाँ से, 6% आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देन रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।